फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। टैक्स ऑडिट अप्लीकेबिलिटी को लेकर एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, जहां पर अगर यहां पर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सेक्शन 44A भी जहां पर ऑडिट अप्लीकेबिलिटी है, और उसके अलावा अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पर अगर यहां पर चूज करते हैं, जैसे कि सेक्शन 44AD जो बिजनेस के लिए है और सेक्शन 44ADA जो यहां पर प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में यहां पर आपने 44AB या 44AD या 44ADA अगर आप प्रोफेशन से है, अगर आपने इन सेक्शन के अंदर ऑडिट करवाई है या प्रेजेंटिव बेसिस पर दिखाया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपका जो टर्नओवर है और प्रॉफिट यहां पर चेंज हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर जो प्रॉफिट है और जो टर्नओवर है वो सेम नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा अपवर्ड हो जाता है यानी 2 करोड़ से या 1 करोड़ से ज्यादा है या 1 करोड़ से कम है, तो उन सिचुएशन में यहां पर क्या आपको ऑडिट अप्लीकेबल होगी, क्या आप 44AD का बेनिफिट उठा पाएंगे, तो आइए समझते हैं आज के इस सेशन के अंदर जहां पर हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन के बात कर लेते हैं, सेक्शन 44AD, AB और ADA के बारे में, उसके बाद हम आपके लिए एग्जांपल लेके आएंगे जिसके अंदर हम यहां पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो आपने यहां पर टर्नओवर था, प्रॉफिट था, जिस बेसिस पर आपने ऑडिट करवाई है या फिर यहां पर डीम्ड प्रॉफिट चूज किया है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी अगर आपका टर्नओवर यहां पर 1 करोड़ या 2 करोड़ से कम है या 1 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में सिचुएशन क्या होगी। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और समझते हैं सेक्शन 44AB, 44AD और 44ADA के बारे में, जो है टैक्स ऑडिट और डीम्ड प्रॉफिट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस वालों के लिए। तो यहां पर अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं और यहां पर अगर आपका सालाना टर्नओवर, टोटल सेल, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में, तो यहां पर आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा सेक्शन 44AB के अंदर। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है पर 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में यहां पर आपको ऑडिट नहीं करवाना होगा, बट आपको यहां पर ध्यान रखना है डीम्ड प्रॉफिट के बारे में, यानी 8% और 6% के बारे में। अगर यहां पर आप डीम्ड प्रॉफिट दिखा देते हैं सेक्शन 44AD के अंदर, तो उस केस में यहां पर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, आप 44AD चूज कर रहे हैं, आप यहां पर 8% या 6% अगर प्रॉफिट दिखा देते हैं, डीम प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो आपको यहां पर जो है सेक्शन 44AB की टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, यानी टैक्स ऑडिट आपको नहीं करवाना है। तो यहां पर आपके लिए एक बेनिफिट दिया गया है 44AD, बट उसी के साथ साथ अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 2 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी आपका टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर है, तो भी यहां पर आपको ऑडिट नहीं करवानी होगी, बट उसके लिए 2 कंडीशन यहां पर आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, यहां पर आपकी जितनी भी रिसिप्ट है यानी एग्रीगेट रिसिप्ट है, वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी टोटल रिसिप्ट से। टोटल रिसिप्ट में यहां पर इंक्लूडिंग जो रिसिप्ट आपकी आ रही है सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट से। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन यहां पर दी गई है, आपकी जितनी भी एग्रीगेट पेमेंट है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी टोटल पेमेंट से, इंक्लूडिंग जो भी आप खर्चे करते हैं। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो यहां पर आपको 10 करोड़ तक कोई भी ऑडिट नहीं करवानी है। उसी के साथ साथ यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप अकाउंट पे ही चेक के अलावा अकाउंट यहां पर जो है चेक ड्रॉ कर रहे हैं बैंक से या बैंक ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो उस केस में यहां पर उन्हें कैश माना जाएगा, यहां पर उन्हें जो है कैश लिमिट के अंदर गिना जाएगा, 5% की लिमिट में गिना जाएगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एक और प्रोविजन जो यहां पर सेक्शन 44AB में दिया गया है। तो अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं एंड यहां पर अगर आपका टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से कम है और आपने पिछले अर्लियर प्रीवियस ईयर में यहां पर 44AD जो है वो ऑप्ट किया है, तो ध्यान रखिएगा आपको कंटिन्यूसली 5 साल तक यहां पर 44AD यानी आपको यहां पर डीम्ड प्रॉफिट 8% और 6% दिखाना मैंडेटरी होगा सर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके जिस साल आपने ये कंडीशन तोड़ी है, यानी समझ लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने 44AD ऑप्ट किया है, बट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपने यहां पर डीम्ड प्रॉफिट से कम प्रॉफिट दिखा दिया, यानी 8% और 6% से कम प्रॉफिट दिखाया है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 26-27
2027 तक आप यहां पर 44AD जो है वो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, यानी जिस साल आपने डिफॉल्ट किया फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 5 साल यानी फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक आपको यहां पर 44AD जो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ साथ यहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और यहां पर आपको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम एक्सीड नहीं होती है तो उस केस में ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है ना ही आपको ऑडिट करवानी है। तो यहां पर अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन से लिमिट से ज्यादा की इनकम है और यहां पर अगर आपने 5 साल में किसी भी साल में यहां पर आपने जो ब्रेक कर दिया 44AD की कंडीशन, तो यहां पर आपको ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों ही मेंटेन करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर प्रोफेशन वालों के लिए। तो अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है तो आपको यहां पर मैंडेटरी ऑडिट करवानी पड़ेगी। बट यहां पर अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशन है, जो आप लीगल से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्चर है, अकाउंटेंट से रिलेटेड है, तो उस केस में यहां पर सरकार ने आपको छूट दी है सेक्शन 44AD(a) यहां पर। जैसे बिजनेस के अंदर हमने 44AD देखा था, वैसे ही यहां पर प्रोफेशन वालों के लिए प्रेजेंटिव बेसिस पर यहां पर सेक्शन दिया गया है। तो यहां पर अगर आपकी टर्नओवर जो सॉरी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो यहां पर 50 लाख से कम है, तो उस केस में यहां पर अगर आप डीम्ड प्रॉफिट 50% दिखा देते हैं तो यहां पर आपको ऑडिट करवाने की मैंडेटरी नहीं है। आप 44AD(a) का यहां पर जो है सेक्शन ऑप्ट करके 50% की रिसिप्ट के साथ यहां पर अपनी इनकम जो है वो दिखा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, आपका टर्नओवर जो है ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। तो यहां पर हमने प्रोविजन तो समझ लिए हैं सेक्शन 44AB, 44AD और 44AD(a) के बारे में। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर आपने 44AD(ab) या ADA अगर चूज किया है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर आपका टर्नओवर जो है प्रॉफिट जो है उस बेसिस पर आप यहां पर ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल को। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपका टर्नओवर है 3 करोड़ और यहां पर आपने प्रॉफिट चूज किया है 9 लाख का, यानी आपका यहां पर 3% का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, और उस केस में यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने यहां पर ऑडिट करवाया सेक्शन 44AB के अंदर। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ हो जाता है और आपका जो प्रॉफिट है वो यहां पर 4.5 लाख रुपए है, यानी अराउंड 3% यहां पर आपका प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो क्या इस केस में यहां पर आपको ऑडिट अप्लीकेबल होगी? बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो यहां पर आपको ऑडिट अप्लीकेबल थी। तो यहां पर जो है 44AB के अंदर साफ साफ दिया, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पर आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी होगा, यानी 1 करोड़ तक आपको कोई भी ऑडिट नहीं करवानी है, भले ही आपका यहां पर प्रॉफिट 8% हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पर आपको ऑडिट करवानी होगी। तो इस केस में यहां पर आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी एंड आपने डीम्ड प्रॉफिट 8% 6% नहीं दिखाया है तो यहां पर आप 44AD भी यहां पर चूज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के कम है, यानी जैसे कि आपके केस में 1.5 करोड़ है, तो अगर आप कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट अगर आपकी 5% से कम है तो यहां पर आप ऑडिट नहीं भी कराएंगे तो भी चलेगा। यानी यहां पर अगर आपकी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं है, टोटल कैश रिसिप्ट टोटल कैश पेमेंट से, तो यहां पर 1.5 करोड़ तक आप ऑडिट नहीं करवाएंगे, प्रॉफिट आपका 3% है तो भी यहां पर आपको ऑडिट एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पर। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप अगर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपका टर्नओवर 1.12 करोड़ है एंड यहां पर आपने जो प्रॉफिट दिखाया वो है 9 लाख, यानी 8% जो है आपका डीम्ड प्रॉफिट है सेक्शन 44AD के हिसाब से। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने सेक्शन 44AD ऑप्ट किया, आपने ऑडिट नहीं करवाया बिकॉज आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम था। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में यहां पर आपका टर्नओवर जो हो गया 1.5 करोड़ अभी भी यहां पर 2 करोड़ से कम है एंड यहां पर आपने जो प्रॉफिट दिखाया वो है 6 लाख, लेकिन ये जो प्रॉफिट दिखाया है वो यहां पर 8% से कम है, आपने जो प्रॉफिट दिखाया वो है 4%, ना ही 6% ना ही 8%, यानी आपने यहां पर जो है 44AD की कंडीशन ब्रेक कर दी है जो आपको 5 साल कंटिन्यू करना था। तो इस केस में क्या यहां पर ऑडिट अप्लीकेबल होगी? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 1 करोड़ से कभी भी ज्यादा होगा आपका टर्नओवर तो यहां पर आपको ऑडिट की अप्लीकेबिलिटी हो जाती है, लेकिन यहां पर आपको 44AD के अंदर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो यहां पर आपको ऑडिट नहीं करवानी अगर आप प्रॉफिट 8% या 6% दिखाते हैं तो। बट इस केस के अंदर यहां पर आपने 8% 6% कंटिन्यूसली 5 साल तक नहीं दिखाया तो यहां पर आपको ऑडिट भी करवानी होगी और यहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन भी करना होगा अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन से लिमिट से ज्यादा की आपकी इनकम है तो।
अब आ जाते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर जो है प्रोफेशन के लिए। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपकी ग्रॉस रिसिप्ट यहां पर 60 लाख की है और यहां पर आपने प्रॉफिट जो दिखाया वो है 12 लाख का, यानी अराउंड 20%, तो यहां पर जैसे ही आपके 50 लाख से ज्यादा हो जाती है प्रोफेशनल रिसिप्ट, आपको यहां पर ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। बट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में यहां पर आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 40 लाख हो गई है, यानी 50 लाख के अंदर है, एंड यहां पर आपने जो प्रॉफिट दिखाया वो है 10 लाख का एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहां पर आपने 25% यहां पर अपना प्रॉफिट दिखाया, तो यहां पर इस केस के अंदर क्या ऑडिट अप्लीकेबल होगी? तो यहां पर यस, आपको ऑडिट अप्लीकेबल होगी। आपको सेक्शन 44AD(a) ने यहां पर जो है कंडीशन ब्रेक कर दी, आपने यहां पर जो 50 लाख से कम तो है आपका टर्नओवर, बट आपने ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो यहां पर प्रॉफिट जो डीम्ड होना था 50%, वो आपने नहीं दिखाया है, तो यहां पर इस केस में यहां पर आपको ऑडिट अप्लीकेबल होगी। अगर यहां पर आप 50% दिखा देते हैं, यानी 20 लाख का प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो उस केस में यहां पर आप 44AD(a) के अंदर ऑप्ट कर सकते थे और यहां पर ऑडिट से आप बच सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो फोर्थ एग्जांपल है, जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपके बिजनेस से टर्नओवर है 3 करोड़ का और यहां पर आपने प्रॉफिट दिखाया 9 लाख का, यानी अराउंड 3% का यहां पर आपने प्रॉफिट दिखाया है और यहां पर आपने ऑडिट करवा लिया सेक्शन 44AB के अंदर। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, 2021-22 में आपका जो टर्नओवर है वो 90 लाख रुपीस और आपने यहां पर प्रॉफिट दिखाया 3.6 लाख का, यानी 4% अराउंड। क्या इस केस में यहां पर आपको ऑडिट अप्लीकेबल होगी? तो नहीं सर, यहां पर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, जो हमने ऑलरेडी देखा सेक्शन 44AB के अंदर, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो आपको ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होगी, भले ही यहां पर आपने प्रॉफिट कितना भी क्यों ना दिखाया हो, बस आपको यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करनी रहेगी। अब आ जाते अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर, तो यहां पर जो फोर्थ एग्जांपल हमने देखा था जो ऑडिट के रिलेटेड था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, बट इन केस यहां पर फाइनेंशियल 2021 में यहां पर जो टर्नओवर 3 करोड़ हमने बताया था फोर्थ एग्जांपल में, अब यहां पर फिफ्थ एग्जांपल के अंदर हम यहां पर जो टर्नओवर 1.12 करोड़ कर देते हैं और यहां पर आपकी जो इनकम है वो 9 लाख है, यानी आपने यहां पर डीम्ड प्रॉफिट 8% दिखाया और आपने 44AD चूज किया है बिकॉज आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम था। अब फाइनेंशियल 2021-22 में आपका जो टर्नओवर है वो है 90 लाख रुपीज और यहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो 3.6 लाख का, यानी 8% से कम का यहां पर आपने प्रॉफिट दिखा दिया है, तो इस केस में यहां पर जो है आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी होगा। जो फोर्थ एग्जांपल में हमने देखा था कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम था, उस केस में यहां पर आपको ऑडिट नहीं करवाना था, बट यहां पर अगर आपने पिछले साल यानी 2021 में 44AD चूज किया है और आपका अगले सालों में किसी भी अगले सालों में 5 साल तक अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और यहां पर आप डीम प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं तो भी यहां पर आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी होगा। आप 44AD जो वो ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे और 5 सालों के लिए, तो आपने यहां पर 2021 के अंदर जो यहां पर 44AD चूज किया था और 2021-22 के अंदर यहां पर कंडीशन को ब्रेक कर दिया, तो इसके 5 साल और यानी 26-27 तक आप यहां पर जो 44AD ऑप्ट नहीं कर पाएंगे और आपको यहां पर ऑडिट करवाना होगा या फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर, तो यहां पर जो फोर्थ एग्जांपल था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपका यहां पर 2021 में जो बिजनेस में जो टर्नओवर था 1.12 करोड़ था और 9 लाख का यहां पर आपने दिखाया था, यानी 8% आपने दिखाकर जो फिफ्थ एग्जांपल में हमने यहां पर 44AD के अंदर यहां पर ऑप्ट किया था, अब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आपका टर्नओवर 90 लाख रुपए हो जाता है और यहां पर आपकी जो इनकम है यानी प्रॉफिट जो आप दिखा रहे हैं 1.18 लाख रुपीज की यहां पर आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं, यानी 2% अराउंड यहां पर आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो उस केस में यहां पर आपको ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होगी। सर फिफ्थ एग्जांपल में हमारे यहां पर ऑडिट अप्लीकेबल थी 90 लाख थी तब, तो यहां पर सिक्स्थ एग्जांपल के अंदर यहां पर ऑडिट क्यों अप्लीकेबल नहीं है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपने यहां पर 44AD की कंडीशन तो ब्रेक कर दी है बट आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन से कम है, तो उस केस में आपको ना ही ऑडिट करवानी है ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर मेंटेन करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन से कम है तो यहां पर आपको ऑडिट अप्लीकेबिलिटी नहीं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AD और सेक्शन 44AD(a) की सभी कंडीशन समझी और उसके साथ साथ रिलेवेंट जो एग्जाम्पल थे जहां पर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर ऑप्ट करते हैं 44AD या 44AB, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आपके क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। होप सो यहां पर आपको एग्जाम्पल पसंद आए होंगे और यहां पर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।